रेनबो सेवन चैनल की ओर से मदन गोपाल का सतरंगी नमस्कार। टूरिस्ट के लिए सबसे पहले लेटेस्ट जानकारी और लेटेस्ट वीडियो लाने वाले चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिसे नोटिफिकेशन हाथों हाथ मिले। तो आपकी रिक्वेस्ट पर हम पहुँचे हैं हिमाचल प्रदेश के जोगिंदर नगर से 5 किलोमीटर की दूरी पर छत्तर गाँव पहुँचे हैं। वहाँ आपको हम दिखाएंगे हिमाचल के जो मकान, प्राचीन परंपरागत मकान किस प्रकार होते हैं, खेत किस प्रकार के हैं और वहाँ का आसपास का जो सुरम्य वातावरण है उसको हम दीदार करवाएंगे। तो वीडियो अभी कीजिए लाइक, और आप लॉकडाउन से परेशान हो चुके हैं तो क्या आप हिमाचल के गांव में रहना चाहते हैं, वहाँ की शुद्ध और यहाँ का जो सरल जीवन है वो आप जीना चाहते हैं, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले गांव की हरितमा से ओतप्रोत जो छटा है वो आपको दीदार करवाते हैं। अब हम ग्रामीण पृष्ठभूमि में जो फसल बोते हैं तो यहाँ धान और गेहूँ की फसलें बोई जाती है, और आप मेड़ के ऊपर देख रहे हैं तो यहाँ फलदार वृक्ष भी लगाए जाते हैं। और यहाँ जो ज़्यादातर खेती प्राकृतिक रूप से की जाती है, यूरिया का प्रयोग बहुत कम किया जाता है, पशुधन साथ में पाला जाता है जिससे उसकी गोबर की खाद है वो इनको दी जाती है, जिसके कारण है प्राकृतिक तौर तरीके से ही खेती की जाती है, जिसको ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर बोल सकते हैं, प्राकृतिक खेती बोल सकते हैं। तो यहाँ रहने का आनंद है वो अलग ही होता है, क्योंकि स्वच्छ तो वातावरण है और जो खान पान है वो भी स्वच्छ है, और यहाँ के जो निवासी है इनका आचार विचार बहुत ही सीधे सरल स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, और हंसमुख स्वभाव के कारण यहाँ आपने अनुभव किया होगा। तो आप में से कौन हिमाचल के गांवों की सैर करना चाहता है, कौन यहाँ रहना चाहता है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप कमेंट करेंगे कि अगला वीडियो किस पर बनाया जाए तो ज़्यादा कमेंट आएंगे तो उस पर मैं वीडियो उपलब्ध करवाने की कोशिश करूँगा। यह वीडियो हमारे जो टीम मेंबर है अविनाश जी, उनकी ओर से हमें भेंट किया गया था, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपको हिमाचली परंपरागत मकान दिखाते हैं, जिनकी दीवारें पत्थर और मिट्टी से मिलकर बनी होती है, और छत है वो लकड़ी से, मजबूत लकड़ी से होती है, खपरेल से होती है और स्लेट से भी होती है, कहीं कहीं बांस का भी उपयोग किया जाता है। तो अंदर की और बाहर की जो दीवारें हैं वो मिट्टी की दीवारें प्राकृतिक रूप से इंसुलेशन का कार्य करती है, जिससे घर अंदर गर्मी में आराम मिलता है, यानी ठंडक का एहसास होता है, और सर्दियों के अंदर जो मिट्टी की दीवारें हैं इस घर को गर्म बनाए रखती है और राहत देती है। इनके अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन छिद्रों में हवा भरी रहती है, और आपको जानकारी होगी कि हवा है ऊष्मा का कुचालक होती है, यानी अच्छा कंडक्ट नहीं होती है, इसी कारण से ये गर्मी और सर्दी के अंदर अपना रूप दिखाते हैं। ये परंपरागत रसोई है, और यहाँ ऊपर जो बांस की खपरेल की और जो स्लेट है उनके द्वारा ये निर्मित होती है, ये भंडार अनाज वगैरह स्टोर होता है, और नीचे पशु बांधने के लिए ज़्यादातर उपयोग में लिया जाता है, और उसका चारे का संग्रहण भी नीचे किया जाता है। तो इस प्रकार ये हिमाचली घर है, आपको इसके बारे में जानकारी
जो भी उपयोगी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और हमारा प्रयास कैसा लगा ये आपके कमेंट पर, बेस्ट वीडियो था इस पर आधारित था इसलिए हमने अपलोड करना उचित समझा। जय हिंद, जय भारत।